सो गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक। वी विल कंटिन्यू आवर सम्स ऑन इंटीग्रेशन। एंड द टॉपिक विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी डिड यस्टरडे। जो हमने कल किया था वही कंटिन्यू होगा आज भी, एंड उससे थोड़े बेटर सम होंगे या थोड़े टफ सम होंगे। फाइन, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइन, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल स्टार्ट। फाइन, देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सेम टाइप कौन सा रहेगा? सेम टाइप विल बी सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जैसा थंबनेल में दिख रहा है सब लोग को, 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑफकोर्स डी एक्स तो रहेगा। सो वी विल बी डूइंग सम्स ऑन दीज बोथ टॉपिक, राइट? दीज टू टॉपिक्स वी विल बी डूइंग सम्स। वी हैव सीन हाउ टू डू यस्टरडे, राइट? वी हैव सीन, हम देखा है कल कैसे करते हैं सम्स। आज हम और बेटर सम्स करेंगे, और एडवांस सम करेंगे कि सब लोग का हाथ एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है? फाइन, तो मैं रिपीट करता हूँ कि हम लोग वही टॉपिक करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेकेंड, और 1 अपॉन अंडर रूट में हो। कल मैंने लिया हुआ था ऐसे सम्स, हम आज उस पर एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सम्स करेंगे। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स अपॉन 4x^4 माइनस 2x² माइनस 3 dx। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स अपॉन 4x^4 माइनस 2x² माइनस 3, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सोचो, सब लोग सोचो, जस्ट थिंक हाउ कैन वी डू दिस सम, हाउ कैन वी डू दिस सम, वी हैव टू थिंक कि हम कैसे करेंगे। थोड़ा सोचना है सब लोगों को, दैट हाउ वी विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को पता है यहाँ पे वन होता है, हमेशा वन होता है, बट यहाँ पे x है, और प्रोसेस वही करना है। अब स्टूडेंट्स को पता है ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन समथिंग होता है, वन अपॉन समथिंग होता है, बट सर ये तो x है, तो स्टूडेंट को लगता है ये फॉर्मेट से नहीं करना है, कुछ दूसरा मेथड लगाना है। देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन हैज़ मेनी टाइप्स, मेनी डिफरेंट सम्स, अराउंड 500-400 टाइप ऑफ सम्स आर देयर इन इंटीग्रेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट टोटल इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में हर सम में चेन रूल लेते हैं, यहाँ पे हर सम में अलग अलग काम होता है, राइट? डिफरेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मेथड तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऊपर वन है, वन है, कल आपने बताया था ऊपर वन ही होता है, बट यहाँ पे एक्स से कैसे क्या करेंगे हम लोग? तो मैं बताता हूँ क्या करना क्या है, ध्यान से देखना। वी विल बी डूइंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? पुट x² = t। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर t लेना कंपलसरी है? m n p q r कुछ ले सकते हैं, बट t लो, मेरे हिसाब से t लेना है। m और n इंटीग्रेशन में बहुत रेयरली दिखता है, थीटा t और x, यही चीज़ सब्स्टिट्यूशन लेना है। कोई रूल बुक में नहीं लिखा है, बट यही लो अच्छा रहेगा, तुमको कन्फ्यूज़ होगा आगे जाके, नहीं तो x² = t लेना है। एम और एन वो सब ना ट्रिग्नोमेट्री में चल जाता है, बट डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में x² = t ले लो या थीटा, दैट्स इट, पर टी लो आप, ठीक है सर, x² = t ले लो। तो होगा क्या? बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x dx = dt।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये dx कहाँ से आया तुमको पता है, अपॉन dx होता है क्योंकि dt का डेरिवेटिव आता है, t का डेरिवेटिव आता है d बाई dx ऑफ t, सो ये dx इधर लेते हैं। ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ, बट अभी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। अब से ध्यान रखो कि dx कैसे आया, अपॉन dx था उसको उधर डायरेक्ट किया, थोड़ा डायरेक्ट सीखो अभी फाइन। तो हमको ये दो चीज़ मिल गया, पहला चीज़ क्या मिला, सब्सटीट्यूशन। ये क्या किया मैं कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन। अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो सब्सटीट्यूशन का सम हो गया जो आपने हमको पहले सिखाया हुआ है, यहाँ पे कैसे आ गया? बिल्कुल आ सकता है, ये सम डबल सम है, डबल क्या बोलते हैं इसको, मीन्स यू नो मिक्सचर। व्हाट एग्जांपल शुड आई गिव, क्या एग्जांपल दूँ मैं तुम लोगों को, जैसे कि ऑलराउंडर सम है। ऑलराउंडर पता है कि क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, जैसे कि बहुत सारे ऑलराउंडर तुम लोगों को पता है क्रिकेट खेलते हो, जो बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ये बॉलिंग कर रहा है, और मेन काम क्या है, ये फार्मूला से कर रहा है तो बैटिंग भी कर रहा है, फार्मूला भी लगा रहा है, मतलब ये फार्मूला से टाइप से भी हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन भी कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑलराउंडर हो गया। ये सम क्या है, ऑलराउंडर सम है, ध्यान से देखना, टफ नहीं, स्टार मार्क किया डजंट मीन दैट इट्स वेरी टफ, नो इट्स वेरी इजी, बट ऑलराउंडर, बोथ ऑफ द थिंग्स ही इज डूइंग एट द सेम टाइम, फाइन। सो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको कॉपी करो और नीचे पेस्ट करो, कॉपी एंड पेस्ट। सो दिस इंटीग्रेशन विल कम डाउन, इट विल बिकम, आई जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। क्या कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट किया। अब ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से देखना, ये हमारे पास x dx की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x dx की जगह पे dt लिखेंगे, बट अरे x dx तो इधर है, x dx को मैं निकाल दूंगा या रिमूव करूंगा और dt लिख दूंगा, बट एक छोटा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये 2 भी यार टेंशन दे रहा है, 2, व्हाट टू डू अबाउट दिस 2। ये 2 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या हुआ, x dx कितना हुआ, dt बाई 2। ये करना ही है, कोई कोई लोग 2 को भूल जाते हैं, बट ये गलत बात है, भूलना नहीं है, उसको नीचे ले लें, नीचे ले लें। क्यों ले लिया, क्योंकि मेरे पास x dx का फॉर्मूला है, x dx है ना, तो मैं x dx की जगह पे क्या लिख दूंगा, x dx की जगह पे dt बाई 2। पहले 2 ऊपर था तो प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने उसको नीचे ले लिया। अब क्या हुआ, x dx इसको मैं रिमूव करूँगा, आई जस्ट रिमूव दिस, आई टेक इट आउट एंड प्लेस dt बाई 2। क्या कर दूंगा, dt बाई 2, राइट, तो dt लिख दूंगा और बाय 2 जो है ना उसको बाहर 1 बाई 2 लिखूंगा। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये मैंने हमने सब्स्टिट्यूशन में किया है, ये पूरे को रिमूव करके dt बाई 2 लिखना है, बट dt रहने दूंगा और 2 को मैं बाहर लिख दूंगा, कॉन्स्टेंट, राइट। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, 1 कुछ नहीं बचा है ना ऊपर, 1 अपॉन 4x रेज टू 4, क्या कर दूँ उसको, लिख दूंगा 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। अब आप सोचोगे सर ये क्या किया, ये क्या कर दिया, ये तो एक्स स्क्वायर था, आपने टी लिख दिया, बताया ना अभी क्या एक्स स्क्वायर टी है, बताया ना ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन, इसलिए तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो ध्यान रखो सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ टी लिख दिया, क्या है एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल टू कितना कर रहा हूँ, मैं टी कर रहा हूँ, तो अगर दोनों को मैं फिर से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स रेस टू 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स रेस टू 4 था, इसकी जगह पर क्या लिखा है, टी स्क्वायर। आई होप ये तो सब बच्चों को भी आता है स्क्वेयरिंग करना, बट स्टिल मैंने बताया यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस, जिस किसी को नहीं मालूम उसके लिए मैं बता दिया यहाँ पे। एक्स स्क्वायर को टी लिया और एक्स रेस टू 4 को टी स्क्वायर लिया, एक्स रेस टू 4 कहाँ से आया, स्क्वेयरिंग और एक बार कर दो, फाइन। अब देखो कल के जैसा सम हुआ कि नहीं, तो ये लॉजिक है, ये सीखना है हमको, क्या सीखना है कि देखो डायरेक्ट तो कोई भी सॉल्व करता है, अरे ये 4 को बाहर ले लेगा क्योंकि हमको पता है ये एक्स को अकेला छोड़ देना, बट ये सब्स्टिट्यूशन से दिमाग लगाना ऑलराउंडर बनना मुश्किल है। बैट्समैन बनना इजी है, बॉलर बनना इजी है, ऑलराउंडर बनना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों जगह परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है, दोनों जगह परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से खेलना, फाइन। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, मैंने बोला है कल के सम में ये जो एक्स स्क्वायर, समझो इसको एक्स स्क्वायर समझो, कंपलसरी ये 4 निकालना पड़ेगा। कल मैंने बहुत सारे सम लिए इसको, क्या करेंगे हम, 1 बाई 2 बाहर था, ऑलरेडी था, कहाँ से आया था सर, वो dt बाई 2 से आया था, dt बाई 2 का 1 बाई 2, और मैं इंटू 1 बाई 4 ले लूँगा क्योंकि ये 4 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन 4, अगर बाहर लूँगा तो बच जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि 4 अपॉन 4 सबको डिवाइड किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 dt। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा, अगर कल का लेक्चर तुमने अटेंड किया है और सब समझ में आया तो कुछ है ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। कैसे किया मैंने, ये 1 बाई 2 एज इट इज़ था, 1 बाई 4 को बाहर ले लिया,
वन बाय फोर को बाहर लेंगे। क्यों लिया? रूल है ये जो टी स्क्वायर है ना, इसका कंपलसरी वन होना चाहिए बाहर, कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है हमेशा वन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वन मीन्स नथिंग राइट, बट कम सो वी हैव टू रिमूव दिस वन बाय फोर। सर व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर रिमूविंग दिस, और इसलिए रिमूव किया ना यहाँ से, तो हम डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते, मैथ्स को जवाब देना पड़ता है, वी कैन नॉट डू डायरेक्ट रिमूवल। सो इसलिए क्या किया, सब लोग को डिवाइड बाय फोर किया, क्या कर दिया सबको फोर फोर से, क्या किया समझ में आ रहा है, वन बाय फोर तो बाहर लिया और ये वन बाय फोर सबको कर दिया। सर क्यों किया, एडजस्टमेंट, क्योंकि ये कॉमन लूँगा तो कैंसिल होगा, मेरा क्वेश्चन वापस मिल जाएगा मुझे, तो इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। वन बाय फोर मैं डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वन यहाँ सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पहले फोर था कि नहीं, फोर था, नीचे फोर यहाँ पे भी दिया, तो फोर फोर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फोर समझो था, मैंने क्या किया फोर यहाँ पे दे दिया। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मुझे हर डिवाइड बाय फोर 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 करना है। क्यों सर क्यों करना है, अरे मुझे इसको ये फोर को निकालना है, कैसे निकाल पाऊँगा, डिवाइड बाय फोर करना पड़ेगा हर जगह राइट, और एक जगह किया तो हर जगह करना है। बट एक क्वेश्चन आता है, सर अलाउड है क्या, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं हाँ कर सकते हैं, बट कंपलसरी उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे तुम लोग क्या कर रहे हो, वन अपॉन फोर डिवाइड कर रहे हो ना, तो वन अपॉन फोर बाहर लेना जरूरी है, एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है सर कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, और इसको कुछ कैंसिल नहीं होगा। पॉइंट में लिखना है क्या? नहीं लिखना, ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, होशियारी ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। थ्री बाई फोर वैसे कर सकते हैं, कोई कोई मैंने देखा है सच में पॉइंट में लिख देते हैं इसको 0.75, नो नीड, उतना नहीं जाना है, थोड़ा नॉर्मल ह्यूमन की तरह सोचना है। वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट फोर कितना हुआ, आई होप से वन अपॉइंट फोर कैसे आया समझ में आ सकते हो। वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट फोर कितना हुआ, वन अपॉइंट एट, इसको एज इट इज रखो, अंदर सॉल्व करो, वन अपॉइंट फोर फोर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर कॉन्ग्रेट्स आ गया हमारा टी स्क्वायर माइनस ये देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया टी अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन फोर डी टी। अब तुम लोग को पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मिडल टर्म निकालने का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मिडल टर्म निकालना। सर कैसे निकालेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर मिडल टर्म कैसे निकलेगा, हाउ टू टेक मिडल टर्म, आई टोल्ड यू हाउ टू टेक मिडल टर्म, वेरी फार्मूला इज वेरी इजी, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, बी स्क्वायर अपॉन फोर इज द फार्मूला, सॉरी लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, एल टी निकालने का लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, यहाँ नहीं नहीं यहीं पे दिखाता हूँ। देखो लास्ट टर्म निकालना है हमको, ये है ऑलरेडी माइनस थ्री बाई फोर, पर ये नहीं ले सकते हम लोग। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, क्या है बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बी कितना ज़रा बताओ सर, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू है ना, माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू ए, ए कितना है, कुछ नहीं, हमेशा वन होता है ए, क्योंकि हम बाहर ही ले लेते हैं ना हर बार, हमेशा वन ही होता है। अगर देखो ध्यान दे, यहाँ पे फोर था, इसको बाहर ले लिया, ध्यान रखना कभी भी ए का वैल्यू वन ही रहेगा, कंपलसरी ए का वैल्यू वन ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर भी होगा तो भी हम बाहर ही निकालेंगे, यहाँ पे फोर है तो भी बाहर ही निकाल लिए, तो हमेशा वन ही रहेगा वहाँ। फाइनली आंसर कितना है, माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर, स्क्वायर करो तो माइनस का प्लस होने वाला है कंपलसरी, एंड वन का स्क्वायर वन और अपॉन टू का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर फोर, और नीचे ऑलरेडी एक फोर था, नीचे ऑलरेडी ये फोर था राइट, वन अपॉन टू का स्क्वायर वन अपॉन फोर पॉजिटिव में, एंड नीचे का फोर इंटू वन फोर। सर क्या आंसर है, वन अपॉन सिक्सटीन, कैसे ये फोर ये ऊपर चला जाता है और मल्टीप्लाई होता है। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है, आई होप एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग। सो फाइनली कॉन्ग्रेट्स, वी गॉट दी मिडल टर्म, दी लास्ट टर्म एल टी, लास्ट टर्म मिल गया, कैसे मिल गया हमको, कितना मिल गया, वन अपॉन सिक्सटीन। सर अब क्या करेंगे लास्ट टर्म का, बहुत सिंपल है, लास्ट टर्म को वन अपॉन सिक्सटीन जो मिला है हमको, वन अपॉन फोर अपॉन फोर, इसको वन अपॉन सिक्सटीन लिखा और यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को आता नहीं है, ध्यान से देखो, आराम से सोचो, देखो क्या करना है, वन अपॉन एट एज इट इज़, उसको हाथ नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन एज इट इज़, डी टी एज इट इज़, एवरीथिंग एज इट इज़, वन बी एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर था, वो वन टी स्क्वायर, उसको टी स्क्वायर ही लिखो, माइनस टी बाई टू, इसको भी एज इट इज़ लिखो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, वन अपॉन एट लिख दिया, सब कुछ एज इट इज़ लिख दिया, टी स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख दिया, माइनस टी बाई टू भी एज इट इज़ लिख दिया। सर ये क्या करूँ, इसको रुको ज़रा, थोड़ा देर रुको, उसको बताता हूँ क्या करना, नया टर्म क्या चाहिए हमको, वन अपॉन सिक्सटीन, और ये लास्ट टर्म निकाला क्यों, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर तभी होगा जब लास्ट टर्म निकालेंगे। ठीक है सर,
तो लास्ट टाइम 1/16 में क्या करूँ, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर, कितना है 1/16। सर प्लस थोड़ी ना था, अरे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, अंडरस्टूड है यार, तो 1/+1/16। अगर साइन नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, प्लस तो लिखना ही है, +1/16 लिखा। और ये क्या था सर, -3/4 को साइड में लिख दिया, -3/4 को साइड में लिखा। क्या किया मैं रिपीट करता हूँ, सब कुछ सेम लिखा, टी स्क्वायर एज इट इज़, 1t एज इट इज़, ये -t/2 एज इट इज़, ये जो -3/4 है ना इसको यहाँ पे नहीं लिखा, थोड़ा साइड में लिखा। और जो हमको चाहिए 1/16 हमने यहाँ पे लिख दिया, वी वॉन्टेड दिस राइट, 1/16 वी नीडेड दैट, तो हमने वहाँ पे लिख दिया। अब मैच क्या बोलता है, मैंने तुमको -3/4 दिया है, तुमने ये कैसे लिखा, अलाउड है क्या लिखना? मैच तुमको क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने -3/4 दिया है, ये अलाउड है क्या 1/16 लिखना? तो तुम बोलोगे सर मैच को कि मैच मेरे को ये चाहिए 1/16, नहीं लिखूंगा तो मेरा कंप्लीट स्कोर का आंसर नहीं आएगा। तो मैच पता क्या बोलेगा, हाँ तुम 1/16 लिख दो बट -1/16 भी बाहर लिखो। क्यों लिखो? बैलेंसिंग, क्योंकि अगर तुम कट कर दोगे दोनों को, देखो +1/16 -1/16 आएगा तो मेरा क्वेश्चन मेरे को वापस मिल जाएगा, मतलब चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ। देखो याद रखो मैथ्स को ना हम चेंज नहीं करते, टी स्क्वायर है ना उसको चेंज करेंगे, -t/2 को भी चेंज नहीं करेंगे, -3/4 को भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ हम ये 1/16 ऐड कर रहे हैं, क्यों? मेरे को इसको कंप्लीट स्कोर बनाना है। हाँ तो मैथ्स बोल रहे तू बना ना 1/16 ऐड कर, बट कंपल्सरी माइनस भी कर, क्योंकि तू कैंसिल हो जाएगा बाद में, यू विल नॉट टच माई क्वेश्चन। देखो टी स्क्वायर एज इट इज़, अगर ये कैंसिल कर दो इसको तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर एज इट इज़, -t/2 एज इट इज़ और -3/4 एज इट इज़। इसका मतलब क्या है, तुम 1/16 ऐड तो कर सकते हो बट कंपलसरी इनको माइनस भी करना है, क्यों? बैलेंसिंग, तो मैथ्स बोलता है ऐसा करने के। ठीक है तो ये दो ब्रैकेट बन गए, अब क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल है, सॉल्व करो 1/8 एज इट इज़, 1/dt एज इट इज़, यहाँ पे सॉल्व होगा। कैसे होगा सर बताता हूँ, देखो टी इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, देख के मालूम पड़ता है ए माइनस है बी, इसलिए ए माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे लिखते हैं मैंने बताया कर, टी स्क्वायर है ना, टी लिख दो सिर्फ, स्क्वायर रूट ले लो उसका, टी स्क्वायर है ना उसको सिर्फ टी लिख दिया सर। ये कितना है 1/16 है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो तो कितना आता है 1/4 आता है। आई होप सबको मालूम, क्या किया लिसन वेरी केयरफुली, टी स्क्वायर था सिर्फ टी लिख दिया, स्क्वायर रूट ले लिया उसका, 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4, साइन क्या है बीच में माइनस है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो प्लस ही रहता है कभी भी, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, ये हमेशा प्लस ही होगा, बट ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइनस लेना, स्क्वायर कर लो ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्रॉस चेक कर लो, देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, -2 × a × b यही आएगा, करके देख लो, +b² + b² 1/4 का स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आया, अब ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, वो तो सबसे ईजी है बट स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, इसके लिए मैं स्पेशल दिखाता हूँ। देखो पेज बचा नहीं, आई विल सोल्यूशन ऑफ दिस इन द नेक्स्ट पेज एंड आई राइट इट ओवर हेयर, मैं करके दिखाता हूँ कितना है, -3/4 -1/16, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी हमको साइन देना है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, तो साइन देना देते हैं अभी, -3/4 -1/16, आई शो यू इन द नेक्स्ट पेज क्या था वो, यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्या था, -3/4 -1/16। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आई होप सब लोग को आता ही होगा बट स्टिल आई वुड टेल यू, देखो कंपलसरी डिनोमीटर सेम बनाना है, डिनोमीटर सेम बनाना है, क्यों सर, डिनोमीटर सेम होगा, नीचे वाला डिनोमीटर होता है सेम होना ही चाहिए, सेम होगा तो ऐड सेपरेट हो सकता है। कैसे बनाएंगे सर, देखो 16 बहुत बड़ा है उसको तो हाथ नहीं लगाते, छोटा जो इंसान है उसको हम बड़ा बनाएंगे। देखो ये ऑलरेडी बहुत हाइट पे है, अगर हमको देखो दोनों को सेम बनाना तो हम क्या करेंगे, कोई कोई मान लो क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे, ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 16 ऑलरेडी ऊपर है, उसको नीचे क्यों ले रहे हो, आप भी उसके जैसा मान बनो ना, समझ में आ रहा है कोई? देखो ये लाइफ में ऐसे चलता है, देखो क्या होता है, लोग क्या करते हैं जो ऊपर है ना उसको नीचे खींचते हैं, उसको नहीं खींचना है, तुम खुद ऊपर बनो ना, 4 को बोलो तू बड़ा बन, उसके जैसा बन, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसको मत कुछ करो, 16 ऊपर है ऑलरेडी हाइट में, सक्सेस हासिल किया है, तो इसको 4 को करेंगे, कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 16 बनाना है, बहुत सिंपल है यार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 16। अब मैच बोलेगा ऐसा अलाउड है क्या, ऊपर हाँ अलाउड है, नीचे किया ना तो ऊपर भी करना है, अलाउड सब कुछ है बट नीचे किया तो ऊपर भी करना है। और मैंने बोला दो साइन आते हैं तो ब्रैकेट देना ज़रूरी है, इससे मालूम पड़ता है मैच कितना आता है तुमको, ठीक है? होप समझ में आया, क्या किया, नीचे 4 दिया और ऊपर 4 दिया, ऊपर क्यों दिया, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं था बट मैथ्स का रूल है कि नीचे दिया है, ऊपर भी देना, नीचे क्यों दिया, 16 बनाना है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 4 × -3, आई होप सबको मालूम है -12 होता है, 4 × 3 = -9 एज इट इज़, अपॉन 4 × 4 कितना है 16 सर,
और ये माइनस वन अपॉन 16 को तो टच भी नहीं किया, डिनोमीटर सेम है सर, कॉन्ग्रेट्स, खींच रहे इसको लंबा। और मतलब समझ में आया ना लास्ट स्टेप क्या होगा, माइनस 12 माइनस 1 अपॉन 16, आई होप सबको मालूम है। ये स्टेप में नहीं खींचना है, उसको गैप ही रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का डिनोमीटर सेम है ना, एक उसको एक रूफ के अंदर ले लेंगे एंड माइनस 12 माइनस 1, माइनस 12 माइनस 1 इज हाउ मच, माइनस 13 अपॉन 16, कितना है, माइनस 13 अपॉन 16, आई होप सबको पता है। ठीक है, आंसर आ गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, माइनस 13 अपॉन 16 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस साइन 13 अपॉन क्या, 13 अपॉन 16 लिख दिया। बट एक बात बताता हूँ, कभी भी अगर कोई स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। कल हमने देखा है सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 1/8 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या है देखो, रेस टू कितना है, 1 है, मुझे मालूम है हमेशा स्क्वायर ही चाहिए, क्यों, फॉर्मूला लगेगा ना, तो माइनस एज इट इज़ 30, इसको स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको क्या लिखना है, 13 को लिख देना रूट 13 और 16 को लिख देना अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये जिसको आ गया ना वो मैथ्स का स्टूडेंट है, ध्यान रखो, डी टी एज इट इज़, डी टी को टच नहीं करना। कोई कोई यहाँ पे डी एक्स लिखते हैं, ध्यान रखो डी एक्स नहीं लिखना है, डी टी लिखना है, बिकॉज यहाँ पे टी है ना, वेरिएबल कितना है, टी है, यहाँ पे देखो टी स्क्वायर टी 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 सब टी टी है, इसलिए डी टी, एक्स है तो डी एक्स, थीटा है तो डी थीटा। ध्यान से सुनो क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आई होप सबको समझ में आया होगा, जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा वो मैथ्स नहीं आता उसको, फैक्ट है फैक्ट, मैथ्स नहीं आता, बेसिक्स नहीं आता। क्या किया मैंने, 13 को देखो यहाँ पे रेस टू 1 है, मुझे कंपलसरी स्क्वायर बनाना है, क्यों बनाना है, फार्मूला में तुमको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हर फार्मूला में स्क्वायर ये दोनों जगह, तो अगर इसको स्क्वायर बनाना है कैसे बनाएंगे, 13 था ना, इसको पहले रूट दे दिया और स्क्वायर कर दिया, और 16 को रूट देने का ज़रूरत नहीं, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास ऑलरेडी 4 है, 13 का स्क्वायर रूट नहीं, इसलिए रूट दे दिया। तुम बोलोगे सर उसको रूट दिया नीचे वाले को नहीं दिया, अरे इसका रूट दे दिया ना, दोनों को रूट दिया, असली में रूट 13 का रूट नहीं होता, इसलिए वैसे एज इट इज देखा, रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है ना 4, इसलिए 4 रख दिया और होल स्क्वायर किया। अगर इसको ओपन करके देख लो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 13 और 4 का स्क्वायर भी, दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कैंसिल होकर 13 आया, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा 16, तो वापस वही मिलेगा तुमको, वापस वही मिलेगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये स्टेप किया है। अब आगे क्या करेंगे सर, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, मैं जस्ट लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, सो 1/8 वॉज आउटसाइड एंड एक मिनट मैं लिख के लिख लेता हूँ, एक मिनट रुको ज़रा, होल्ड, 1/3 फाइन, मैंने लिख लिया है, अब लिख लिया, अब मैं सीधा फार्मूला लगाता हूँ, फार्मूला क्या है लगाना मैं तुमको बताता हूँ, फार्मूला ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, फार्मूला क्या लगाना है देखो, फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या फार्मूला होता है, 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फार्मूला। अब तुम बोलोगे सर ये फार्मूला क्यों लगाया, देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये पूरे को एक्स पकड़ना है, स्क्वायर लिखना है। अब कोई कोई महान लोग बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर है बट यहाँ पर टी स्क्वायर है, ये टी है ना, टी एक्स और टी दोनों दोस्त कैसे हो गए, देखो यहाँ पे एक्स और टी में कोई फ़र्क नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लोगों को लगता है एक्स अलग है टी अलग है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि डी एक्स, देखो हर एक चीज़ यहाँ पे एक्स 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 है, क्यों एक्स के एक्स क्यों है यहाँ पे, बिकॉज डी एक्स बैठा यहाँ पे, सब कुछ टी 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 में क्यों है, क्योंकि डी टी है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूला सेम ही होता है, समझ में आ रहा है, फार्मूला सेम ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ, अरे एक फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट याद रखो सिर्फ ए प्लस बी के लिए लगेगा, सर एम प्लस एन के लिए लगा दूंगा, नहीं नहीं नहीं, एम और एन अलग है, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा, तो ये फार्मूला ऐसे नहीं लगा सकते, एम एन प्लस एन स्क्वायर, अगर ऐसा चलता है क्या, नहीं दोनों वैलिड है, सर ये तो ए और बी पे लगा यार, एम और एन पे कैसे लगेगा, अरे नहीं लगेगा भाई, जनरल फॉर्म है, लगना ही है, नहीं लगेगा तो मैथ्स ही ख़त्म हो जाएगा, मैथ्स ही ख़त्म हो जाएगा, घर पे बैठ जाओ फिर बिना मैथ्स के, समझ में आ रहा है। तो ये फार्मूला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ये अगर ऐसा पे लग सकता है, टी पे भी लग सकता है, जनरल फॉर्म है, कहीं भी लग सकता है। सो एक्स स्क्वायर की जगह सपोज करो कि एक्स क्या है मेरा, ये है, एंड ए की जगह बोला है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर, सो कॉन्स्टेंट, आई होप सबको समझ में आ रहा है, 1/2a, सो फाइनली 1/8 एज इट इज़, 1/2a, 1/2 इंटू ए कितना है, मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगा, लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप ऑफ द आंसर, 1/2a लिख दिया, 1/8 एज इट इज़, 1/2 इंटू ए कितना है, अरे बोलो ना ए कितना है, ए स्क्वायर ए कितना है, रूट 13 अपॉन 4,
इंटू लॉग ऑफ, वन अपॉन टू ए हो गया लॉग ऑफ, देखो क्या किया, डोंट वरी, वन अपॉन एट एज इट इज, वन अपॉन टू इंटू ए, देख लो यहाँ पे लिखा है वन अपॉन टू ए, सो वन अपॉन टू इंटू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, क्या करना है, एक्स माइनस ए बोला है, एक्स माइनस ए, एक्स कितना है हमारा, एक्स हमारा ये, तो क्या है टी माइनस वन अपॉन फोर एक्स माइनस ए, माइनस ए कितना है रूट थर्टीन अपॉन फोर, अपॉन क्या है एक्स प्लस ए, एक्स कितना है टी माइनस वन अपॉन फोर, प्लस ए, प्लस ए कितना है रूट थर्टीन अपॉन फोर, प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन। सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जहाँ पे टी है वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, बस ये तुम्हारा होमवर्क है, करना है, क्योंकि अभी मैं वो करूँगा लंबा खींच जाएगा सम, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई होप यू आर गेटिंग राइट। इसको अब देखो, इसको कैंसिलेशन करना है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा टू के साथ, फिर वो कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, और टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, रीसब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी है, और फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, जो भी है फोर फोर देखो कॉमन है ना दोनों का बेस, जोड़ लो साथ में, पहले इसको एलसीएम लो, दैट इज़ अप टू यू, तुम सॉल्व करो, और किसी के पास डाइजेस्ट या कुछ वगैरह सोल्यूशन वगैरह है तो वहाँ से देख के लास्ट आंसर देख लो। फाइन, होप यू एंजॉयड, होप यू अंडरस्टूड। मैं नेक्स्ट सम पे बढ़ता हूँ, आगे थोड़ा सा टाइम लगा है सम को, सम था सब्स्टिट्यूशन और ये दोनों मेथड पे। सब लोग को समझ में आया, जल्दी बोलो यस और नो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे कितने बार लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में लगता है कुछ इशू हो गया है ना, एक बार कोई लिख रहा है तो वो दस बार लिख के आ रहा है। ठीक है, सब लोग को आया क्या समझ में, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, डोंट वरी, थोड़ा फास्ट करते हैं अभी, क्योंकि ये फर्स्ट सम था इसलिए थोड़ा टाइम लगा है उसको, अब आगे बढ़ेंगे हम। एंड अगर किसी को फिर भी डाउट है तो वापस से देखना है, मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमने एक और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होता है पता है क्या, स्टूडेंट्स का एक आइडिया क्या होता है, मैं भी जब तुम्हारे इतना था तो क्या आइडिया दिमाग में क्या होता है हमारे, कि टीचर यार एक दो सम ले रहा है या धीरे धीरे ले रहा है, मतलब ये लगता है दिमाग में कि सब सम नहीं ले रहे, टेक्स्ट बुक में तो 200 सम है, एंट्रेंस में 100 सम है, सब नहीं ले रहे। देखो क्या होता है, सब लेने लग गए ना तो क्या होगा, तुमको खुद का टाइम मिलेगा नहीं। देखो लॉजिक क्या होता है, हम लोग किसी से सीखना है और काम खुद करना है, समझ में आ रहा है, आप समझो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस कहीं से सीखेगा कि कैसे करते हैं, एक दो महीने सीख लेगा, उसके बाद वो खुद करना है, उसके बाद अगर खुद करेगा तो बिजनेस आगे जाएगा, नहीं करेगा तो घर पे रह जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सम मेरे से एक दो तुम सीख लो, जैसे अभी ये समझ में आ गया ना, कि कल तुमको समझ में आ गया कि रॉ सम कैसे होता है, रॉ मतलब विदाउट सब्स्टिट्यूशन, बिना सब्स्टिट्यूशन का एकदम प्योर सम, ये क्या है, और ऑलराउंडर सम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी है, यहाँ पे ये फॉर्मूला, एक दो समझ गया ना, हर सम में कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, क्या होगा पता है, टू एक्स आ जाएगा, एक्स को एक्स रेज़ टू फोर की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ज़रा ज़रा सा इधर उधर करेंगे लॉजिक सेम होगा। तो मैंने तुमको लॉजिक बता दिया, आ गया तुम्हारे ऊपर है जितना करना, डाउट्स है यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी एनी डाउट इफ यू हैव, बट करना तुमको आगे से। अगर आपको लग रहा है कि मैं सबके सब सम लूँगा, हर एक टेक्स्ट बुक का एक एक सम कॉपी पे, वो होता ही नहीं यार, ट्वेल्थ में तो टाइम ही नहीं है सांस लेने का लोगों को। तो मैं तुमको एक करूँगा कि मैं पूरा कंसेप्ट है वो सब सिखा दूँगा, आगे तुम लोग प्रैक्टिस करना है, एक सम को हर सम तुम लोग प्रैक्टिस करो। फाइन, लॉजिक मेरे से सीख लो, आगे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़्यादा सम खुद ट्राई करो। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग, सो विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया, ओपन चैलेंज, कोई मुझे बता सकता है कि क्या करना है, ओपन चैलेंज कोई भी है मेरे को बता सकता है करना क्या, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू, क्या करना है बता सकता है क्या मुझे कोई भी, ओपन चैलेंज, हाँ यस नहीं लिखो, क्या करना है बताओ, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं यस, बता सकते हैं, बता तो सकते हो बट क्या करना है वो तो बताओ, आंसर बताओ, आंसर यस और नो नहीं, आंसर बताओ, टेल मी द आंसर व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है ठीक है, लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं साइन साइन एक्स को टी,
एक्स इक्व, अभी देखो प्रथमेश ने लिखा है, देखो सब लोगों ने वही सोचा है, वेरी गुड, साइन को टी, कोई कोई बोल रहा है एक्स, एक मिनट, नीरज ने क्या बोला है, मैं सबका देख रहा हूँ, देखना ज़रूरी है। ईश्वर ने क्या बोला, साइन टू इक्वल टू वन, साइन टू किधर से आया, साइन एक्स है क्या शायद, देखो उसने क्या बोला है, शुभम ने साइन एक्स को टी, वेरी गुड, साइन एक्स को टी राइट आंसर, साइन एक्स को टी इज द राइट आंसर। एंड और किसने बोला साइन एक्स को टी, मजेकी ने बोला। और अभी देखो ध्यान से सुनो, ईश्वर ने बोला है साइन स्क्वायर इक्वल टू टी, गलत हो गया, बिल्कुल गलत। अगर मेरी बात सुनो, जो भी स्टूडेंट ने यह आंसर नहीं दिया ना साइन एक्स को टी, उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, सीधा मैं फ्रैंकली मुंह पे बोलता हूँ, सब्स्टिट्यूशन आता ही नहीं है उसको। जिसने आंसर दिया है साइन एक्स इक्वल टू टी, उसको ही सब्स्टिट्यूशन आता है। मेरे हिसाब से एक ही ने दिया है, नीरज ने, नहीं इसने, शुभम ने, शुभम ने, और बाकी किसी को सब्स्टिट्यूशन नहीं आता। फ्रैंकली मैं मुंह पे बोलता हूँ, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर लो। ईश्वर ने बोला साइन स्क्वायर को टी, नहीं आता है तुमको सब्स्टिट्यूशन। और फिर किसने बोला है, ये नीरज ने बोला है, क्या बोला है, कॉस एक्स इक्वल टू टी, नहीं आता है सब्स्टिट्यूशन उसको, सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ मुँह पे, पीछे से नहीं बोलूँगा तुमको, तुमको ना उस पर नहीं रखूँगा मैं धोखे में कि तुमको सब आता है, सब आता है, ये सब नहीं। अभी क्या नाम है इसका, प्रथमेश, ध्यान से सुन, इसने क्या बोला है, एक्स इक्वल टू साइन एक्स, प्रथमेश तेरे को भी नहीं आता, एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखाना मतलब तुमको भी नहीं आता है। कंपल्सरी मैंने बताया था टी इक्वल टू साइन एक्स लेना है, कभी भी दोनों सेम नहीं हो सकता। तुम्हारा डाउट है सर टी के जगह एक्स लिया तो, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस दिन, शायद तुमने अटेंड नहीं किया होगा या किया होगा भूल गए। याद रखो एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर ले लिया ना सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं मालूम है। और तुम नहीं है, बहुत लोग ऐसा, मैं भी कभी कभी किया था ऐसा। तो याद रखो जिसको एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया ना, उसको भी पता नहीं सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, साइन एक्स को क्या करना है टी, जिसने ये बोला ना साइन एक्स को टी, उसको आता है। बाकी लोग थोड़ा पढ़ाई करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन चैप्टर हो, मतलब पढ़ा के हो गया हम लोग का, सब्स्टिट्यूशन के सम्स बहुत सारे किए हैं हमने। अब स्टूडेंट्स का थोड़ा वो क्या करेंगे, अगले सम में डाउट पूछूंगा ना मैं, कुछ पूछूंगा तो तुम जवाब नहीं दोगे, बोलोगे सर ऐसा ऐसा बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, तुमको आता नहीं। फैक्ट है, देखो सच सच बोलते हो, जिसने भी बोला साइंस को इक्वल टू टी, कॉस एक्स इक्वल टू टी, सब गलत है। कोई भी स्टूडेंट जिसने ये बोला है, सबको खुद को पता है क्या बोला है, राइट, साइन एक्स इक्वल टू टी ही सही है। चलो आंसर पे आते हैं हम लोग, साइन एक्स को क्या कर दिया, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। और जिसने जिसने आंसर दिया, वेरी गुड, वेल ट्राइड, तुम लोग आ तो रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। साइन एक्स इक्वल टू टी क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुमको पता है, कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लेना है। साइन एक्स को एक बार टी लिया तो डेरिवेटिव लिया तो कॉस एक्स हो गया, राइट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये डी एक्स नीचे से आ गया, फाइन। तो पहला ये, सेकंड ये, सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर, सो इंटीग्रेशन इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एक्स, थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स को ही टी क्यों पकड़ा, ध्यान से देखो साइन एक्स इक्वल टू टी क्यों पकड़ा है, जिधर जिधर साइन है ना उधर टी लगा दो, लगा देते हैं अभी के अभी लगा देंगे। देखो ऊपर मैं आता हूँ, डोंट वरी, ऊपर के मैं आता हूँ, चलो पहले ऊपर पे सॉल्व करो। देखो जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया तो कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डेरिवेटिव से आया, राइट। देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना है डी टी, तो इसकी जगह पर डी टी लिख दिया। क्या किया मैंने, कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, ये पूरे की जगह पर क्या लिख दिया डी टी, क्यों लिखा, इधर लिखा है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैजिक नंबर वन हो गया, मैजिक नंबर टू क्या है, थ्री साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन एक्स कितना लिया मैंने टी लिया, साइन एक्स को क्या लिया टी, तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का टी, तो कितना हो जाए, अरे होप समझ में आ रहा है, साइन एक्स अगर टी है तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ना, तो टी स्क्वायर ले लिया माइनस फोर इंटू साइन एक्स मतलब फोर इंटू टी प्लस वन, ये लो आ गया, ठीक है, होप सब लोगों को समझ में आ रहा है।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? होप सबको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। बहुत सिंपल किया, साइन एक्स को टी पकड़ा और उसका डेरिवेटिव ले लिया। एक इतना छोटा सा स्टेप है साइन एक्स को टी लेना। जिसका जिसका आंसर ये नहीं आया, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, और सम्स करो। इसका मतलब क्या, जिसको जिसको ये नहीं आया ना, इसका मतलब क्या, तुम्हारा टेस्ट ले लिया मैंने आज, एक छोटा सा टेस्ट ले लिया मैंने। क्या टेस्ट लिया? वो टेस्ट में मालूम पड़ा मेरे को कि ये स्टूडेंट अगर नहीं लिख पा रहा है तो उसको ना क्या करना है पता है? बहुत सिंपल, टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन के सम्स है ना जो बहुत पहले किए थे एक हफ्ता पहले, वो जाके रिवाइज करना है, पढ़ना है उसको फिर से, ठीक है? जो बोल रहा है कॉस एक्स को टी ले लो, साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लो, उसको ये बोलना चाहूँगा थोड़ा पढ़ाई करो। और जो बोल रहा है एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट, उसको बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान से करो, तुम एकदम सही पहुँच रहे हो, कम से कम साइन एक्स तो तुमने बोला, वेरी गुड, बट टी आता है, सेम सेम नहीं आता। मैंने हर सम में, कोई एक सम में भी मैंने ऐसा सेम टू सेम नहीं लिया, ठीक है? वेरी गुड, कम से कम तुमने ट्राई किया, वेरी गुड, ट्राई करते रहना है हर हर सम में, ठीक है? फाइन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? बहुत सिंपल है, ये थ्री को बाहर लेना है, थ्री को थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं अभी, थ्री को बाहर ले लिया, क्यों ले लिया? रूल है यहाँ पे, कंपलसरी वन चाहिए। तो टी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन थ्री टी प्लस वन अपॉन थ्री, आई होप सबको समझ में, क्या किया मैंने, डिवाइड बाय थ्री कर दिया हर जगह, डिवाइड बाय थ्री डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, तो वन बाय थ्री बाहर भी लिया, तो वन बाय थ्री बाहर को यहाँ पे लिख दिया और डिवाइड बाय थ्री, देखो ये थ्री अपॉन थ्री था ना, ये कितना था, थ्री अपॉन थ्री था, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, टी स्क्वायर, थ्री अपॉन थ्री कैंसिल हो गया, वन बच गया, ठीक। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? देखो यहाँ पे फोर अपॉन थ्री और सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वन अपॉन थ्री और सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में चाहिए क्या? नहीं चाहिए, पॉइंट में चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? मिडल टर्म, लास्ट टर्म निकालना है, ये फर्स्ट टर्म है, मिडल टर्म है, लास्ट टर्म निकालना है। सर है तो वन बाय थ्री, अरे वो नहीं चलता है, हमको हमको लास्ट टर्म खुद से निकालना है। कैसे निकालेंगे लास्ट टर्म? अरे बोलो ना कैसे निकलता है लास्ट टर्म, बी स्क्वायर अपॉन फोर है, होप सबको मालूम है। ए का वैल्यू हमेशा वन आता है, ए का वैल्यू हमेशा वन आता है, यहाँ पे थ्री था बट वो निकाल लेते ना, बाहर निकालते हैं तो हमेशा ए का वैल्यू वन आता है। फाइनली बी स्क्वायर अपॉन फोर है, बी स्क्वायर अपॉन फोर है, बी कितना है, माइनस फोर अपॉन थ्री, आई होप सबको मालूम है, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? तो बी कितना है, फोर बाय माइनस फोर अपॉन थ्री, तो उसका स्क्वायर लेना है। सो बी का स्क्वायर मतलब माइनस फोर अपॉन थ्री का स्क्वायर अपॉन फोर इंटू ए, हमेशा कितना आने वाला है, वन आएगा, वन। फाइनली आंसर कितना है, माइनस है, स्क्वायर होके प्लस आ जाएगा, राइट? हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है। फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन और नीचे का फोर इंटू वन इज़ फोर। अब नेक्स्ट स्टेप सर, अभी ऐसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे पता है क्या, इसको सॉल्व बहुत इजी है। क्या करना पता है, क्या करेंगे हम लोग, एक मैडम, ये एक वन ज़ा और ये फोर ज़ा, कट होता है, ध्यान रखो कट होता है। फाइनली आंसर क्या है, ये कट हो गया इसके साथ, फोर वन ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, तो फाइनली क्या बच गया, फोर अपॉन नाइन। तो आंसर क्या है, फोर अपॉन नाइन, क्या आंसर है, फोर अपॉन नाइन। ये क्या मिल गया मेरे को, लास्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया फोर अपॉन नाइन, पॉजिटिव है, ऑफकोर्स पॉजिटिव है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, फोर अपॉन नाइन मिल गया, ठीक है। सर अब क्या करेंगे, तुम्हारा डाउट होगा कि अब क्या करेंगे, देखो फोर अपॉन नाइन अगर हुआ ना, फोर अपॉन नाइन को हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम है। एक तो ये लग रहा है YouTube का चैट बॉक्स में कुछ एरर आ गया है, वो रिपीट कर रहा है, लूप में चल रहा है, एक बार कोई कुछ लिखता है तो दस बार दिखा रहा है, वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। एल टी इक्वल टू फोर अपॉन नाइन, राइट, फोर अपॉन नाइन, इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म हमको फोर अपॉन नाइन मिला, तो यहाँ पे आ जाओ, वन बाय थ्री एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फोर बाय नाइन था ना, मैं लेता हूँ उसको, डोंट वरी, डी टी एज इट इज़ लिख दिया अपॉन, देखो ये डी टी को ना तुम ऐसा भी ले सकते हो, वन इंटू भी लिख सकते हो, और ये डी टी को बाहर ले सकते हो, डजेंट मैटर, डी टी को बाहर लिख दो और वन अपॉन लिखो, वो भी चलता है, डोंट वरी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन इधर फ़र्क पड़ता, फाइन। क्या करेंगे, तुमको पता है वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट, ए बी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये टी स्क्वायर इसको भी एज इट इज़ लिख दो, मिडल टर्म को भी एज इट इज़ लिख दो, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, एल टी लास्ट टर्म में, चेंज कहाँ आएगा, लास्ट टर्म में, कितना है, फोर अपॉन नाइन। सर ये वन अपॉन थ्री भी तो उन्होंने दिया है ना हमको, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री भी दिया है कि नहीं उन्होंने, ये फोर टी भी है, टी है वो, ध्यान से देखो टी है, मैंने अब ध्यान से देखो, तुम लोग बोलोगे सर वन अपॉन थ्री उन्होंने दिया है ना, वो यूज़ नहीं करना हमको, हमारा खुद का लास्ट टर्म यूज़ करना है, कितना है वो, फोर अपॉन नाइन, तो यहाँ पे जाओ और प्लस फोर अपॉन नाइन लिख दो, प्लस क्यों,
प्लस है ना यहाँ पे, प्लस 4/9 लिख दिया। फिर इसका क्या करना है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, उसको क्या करेंगे, उसको भी लिखना है, थोड़ा साइड में आके लिख दो ऐसा 1/3 लिख दो, प्लस 1/3। अब थोड़ा सा चेंज किया मैंने, देखो टी स्क्वायर ये सब ऐसे लिखा, ये 4/9 मैंने लिखा डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, क्यों मुझे चाहिए था वो, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनने वाला है अभी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। बस सर ऐसा अलाउड है क्या डालना, हाँ अलाउड है, बट कंपलसरी माइनस 4/9 भी करना जरूरी रूल है। मैथ्स बोलता है तुम बिंदास कर दो प्लस 4/9 नो प्रॉब्लम यू कैन ऐड, बट कंपलसरी सब्ट्रैक्ट, बिकॉज इससे क्या होगा कैंसिल होकर वही आंसर वापस मिलेगा, ये रूल होता है मैथ्स का। फाइन 1/3 क्या बच गया, लिख दो जो बचता है, डी टी एज इट इज़ अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, टी का स्क्वायर है तो टी लिखना है, बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखना है, 4/9 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आता है 2/3 होल स्क्वायर। मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है उसको टी लिखना है, माइनस साइन है माइनस लिखना है, 4/9 है, 4 को लिखना है 2, 9 को लिखना है 3, रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेके लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके देख लो, यही आएगा, इसको सॉल्व करके देख लो आंसर कंपलसरी यही आएगा, इसको सॉल्व करना है आंसर, यू विल गेट दिस आंसर। सर ये तो हो गया, अब इसका क्या करेंगे, 1/3 माइनस 4/9 इसका क्या करेंगे, क्या है वो 1/3 माइनस 4/9 राइट, इसको मैं इधर लिखता हूँ ध्यान से देखो क्या है वो 1/3 माइनस 4/9 राइट, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तुमको बताया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसको 3 कर दो इसको 3 कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना। सर ये क्या किया आपने, देखो यहाँ पे 9 था, इसको वैसे रखो, ये 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना ना मेरे को, और नीचे किया तो ऊपर भी करना है, तो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, 3 × 1 = 3 अपॉन 3 × 3 9 माइनस 4/9 एज इट इज़। आई होप सबको समझ में आया, पिछले समय किया ना 4 और 16 से वैसा ही सेम। तो सर अभी क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिख दो एक साथ, ऊपर क्या हो जाएगा 3 − 4। सो फाइनली आंसर विच यू आर गेटिंग दैट इज −1/9, ये मेरे को मिल गया। क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिख दो −1/9। अब तुम लोग बोलोगे सर −1/9 तो आ गया, बट इसका पावर देखो ना क्या है, √1 है, 1 से कुछ होता है क्या, हमेशा स्क्वायर चाहिए, क्योंकि फार्मूला हर एक फार्मूला स्क्वायर में है। क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल है, 1/3 लिख दो एज इट इज़, डी टी भी एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़, ये टी माइनस 3/2, 2/3 भी एज इट इज़, स्क्वायर भी एवरीथिंग एज इट इज़, माइनस साइन ऑल्सो एज इट इज़। सिर्फ क्या करेंगे, ये 1 है ना, हमको स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, 1/3 का स्क्वायर। आई होप सबको पता है 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, क्यों लिखा सर, फार्मूला में स्क्वायर आना ही चाहिए दोनों जगह। आप कौन सा फार्मूला लगेंगे मैं बताता हूँ, कौन सा फार्मूला लगाएंगे मैं बताता हूँ, बट आई होप सबको समझ में आ रहा है। अरे यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो येस और नो, सबको समझ में आ रहा है येस और नो, आर यू गेटिंग और नॉट, टेल मी येस और नो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन गलत बोला तो अभी क्या आंसर नहीं दोगे क्या, ये तुमको जो मैंने बोला है सही बोला है एकदम, ठीक है इसका टेंशन नहीं लेना है, सर ने ऐसा बोला हमको आता नहीं, सही बोला एकदम सही बोला, नहीं आता ना सच तो बोला है, झूठ क्या बोला है इसमें, गलत बताया तो नहीं आता, एक्सेप्ट करना है उसको। कोई कोई लोग क्या बोलते सर ये आपने हमको क्यों बोला, साइन हमारा गलत है हमको आता नहीं, सही तो बोला ना, मेरे को झूठ झूठ बोलने आता नहीं है कि तू बहुत अच्छा है बहुत तेज है, अगर सच में सही आंसर आया, एक स्टूडेंट का आंसर सही आया उसको बोल दिया ना वेरी गुड, तो ध्यान रखना है, अपने को नहीं आता इसका मतलब रोना नहीं है कुछ, वो टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है पता है क्या, और समझ करना है परफेक्ट हो जाएगा हम लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये डन हो गया। सर इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो 7 फार्मूला जो बताए थे ना, 7 फार्मूला जिसको प्रूफ भी किया था, उसी में से एक लगेगा, कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस। अब तुम बोलोगे सर हमने आपने तो 7 फार्मूला दिखाए थे, कब से हमें 2 ही तो लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक tan इनवर्स x अपॉन ए वाला लग रहा है, क्या कर सकते हैं, हर सम में यही ये फेमस है, ये दोनों का ज़्यादा यूज़ है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी 7 काम के नहीं है, बाकी 7 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 बट ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है इसलिए ये यूज़ हो रहा है। आई होप एवरीवन इज़ गेटिंग राइट, आई होप एवरीवन इज़ गेटिंग दिस। तो मैं नेक्स्ट सम में इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दिखाता हूँ।
ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया न्यू पेज पे। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताता हूँ, ध्यान से लिखना है सॉल्व कैसे करेंगे। कौन सा फॉर्म लगेगा, 1 upon x square minus a square dx equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c, ये फार्मूला, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फार्मूला है। तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा, देखो इसको मैंने x पकड़ा, x का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज a का स्क्वायर, a मतलब कोई भी कांस्टेंट a का स्क्वायर, इसलिए मुझे मालूम पड़ा यही फार्मूला लगेगा। स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर कौन सा फार्मूला लगेगा, मुझे मालूम नहीं, समझ में नहीं आता, तो मैं वही बोलूँगा। देखो अब तुम लोगों को एक हफ्ता हो गया ये सीख के, राइट, ये फार्मूला सीख के 5-6 दिन हुआ है, तो ठीक है डोंट वरी, 1-2 महीने बाद जैसे रोज़ रोज़ सम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टाइम से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, ये फार्मूला लगा देंगे, ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर मतलब ये मन में एक्स पकड़ लो इसको, फिर एक्स क्यों पकड़ा, इसको क्यों नहीं एक्स पकड़ा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, सिर्फ नंबर है ना 1/3, तो वो ए का काम करता है। और इसको x क्यों पकड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि t है ना इसके अंदर, याद रखो जिसके अंदर t है या x है ना वो हमारा x का काम करेगा, और जो सिर्फ नंबर है ना कांस्टेंट वो a का काम करता है, सबको पता है कांस्टेंट a है, और ये एक फंक्शन है t माइनस 2/3 एक एक्सप्रेशन है, राइट, तो इसलिए वो x का काम करता है। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारा x कितना हुआ, t माइनस 2/3, राइट, और हमारा a कितना हुआ 1/3, ये कितना हुआ 1/3। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट खुद को समझने के लिए, ये क्वेश्चन के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू कितना है टी माइनस 2/3 एंड ए का वैल्यू कितना है 1/3, यहाँ तक सबको समझ में। सर क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है इसका, अगर ऐसा फॉर्मेट है तो आंसर क्या आता है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, राइट, ये आंसर है, लिख दो फिर, पर डायरेक्ट 1/2a मत लिखो, क्यों, 1/3 ये भूलना नहीं है, 1/3 बाहर था ना, इसको भी लिख लो। सर ये 1/3 आया किधर से, ये 3 था ना, इसको बाहर लिया था, जो रूल है कंपलसरी लेना हमेशा, इधर वहाँ 1 चाहिए ना, इधर 3 बाहर लेते, तो वो 1/3 को चलते आ रहा है कब से, 1/3 वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट क्या करते स्टूडेंट्स ना, नेक्स्ट पेज पे ना ये 1/3 लेना भूल जाते हैं, बट ध्यान रखना 1/3 को भी लेना कंपलसरी। सर 1/3 ले लिया, उसके बाद क्या, 1/2a, सो 1/2 into a, वॉट इज ए, ए इज हाउ मच, आई टोल्ड यू ए इज 1/3, सो 2 into 1/3, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, इंटू लॉग ऑफ प्लस सी एज इट इज़, लॉग ऑफ क्या है, एक्स माइनस ए, सर एक्स माइनस एक्स कितना है मेरा, ये है, तो टी माइनस 2/3 एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया कि नहीं, एक्स पूरा माइनस ए, माइनस ए कितना है 1/3 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स कितना है टी माइनस 2/3 प्लस ए, अरे प्लस ए है कि नहीं, प्लस ए है ना, प्लस ए कितना है 1/3। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बहुत सिंपल है, कैंसिलेशन होने वाला है, क्या होने वाला है कैंसिलेशन, कैसे होगा, 3 कैंसिल। सर क्यों होगा, देखो ना इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो तुम, तो देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, या तुमको ऐसा नहीं जम आता है तो इसको 2 जम करा दो ऊपर, इसको 2 जम करा दो और कैंसिल कर दो, कैंसिल तो होएगा कैसे भी। सर व्हाट इज रिमेनिंग, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया, इनटू लॉग बच गया। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखो पिछले समय मैंने इसको करके दिखाया नहीं, बट मुझे लगा कि ऐसा करके दिखाना चाहिए कि तुमको पता चले कैसे सॉल्व होता है। देखो बहुत सिंपल होता है, पहले हम एलसीएम लेंगे, कोई को लोग ना पहले इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, टी का वैल्यू सर साइन एक्स, नहीं नहीं अभी नहीं करना है वो सब, पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या करेंगे 3t यहाँ पे भेज दो, 3t माइनस 2 अपॉन 3, 3 into t, 3t माइनस 2 upon 3, और ये माइनस 1/3 एज इट इज, सेम विद डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 into t, 3t माइनस 2 upon 3 प्लस 1/3। सर अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इधर ध्यान से देखो क्या करेंगे, लॉग ऑफ, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अरे है कि नहीं, हाँ सर सेम है, क्या करना है, दोनों को साथ लो, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 माइनस 1 upon 3, क्या किया ये, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था कि नहीं, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी, तो क्या कर दो, दोनों को एक रूफ में ले लिया, इसको दोनों को ना एक रूफ में ले लिया, और ऊपर 3t माइनस 2 माइनस 1 एज इट इज, नीचे क्या करेंगे, नीचे भी वही करेंगे, 3t माइनस 2 और प्लस 1, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ ले लो, तो क्या किया 3t माइनस 2 प्लस 1 upon 3। अब क्या होगा सर, देखो 3 इधर था, ये इधर भी था, कैंसिल कर दिया सर, क्या बच गया
पीछे आ गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ, ये क्या है 3t, अब काउंटिंग करना है 3t एज इट इज क्योंकि अकेला है वो, -2 -1 -3 अपॉन 3t एज इट इज। ये सर ये 3 का क्या हो गया, अरे कट हो गया ना दोनों डिनोमिनेटर का, वो कट हो गया दोनों, 3t एज इट इज। सर -2 -2 -1 तो -3 लिख दिया आपने, बट ये क्या होगा -2 +1 -2 +1 -1। अरे राइट की नहीं, यस और नो सर, आ गया आंसर, इज दिस द फाइनल आंसर सर, शुड आई नेम इट एज इंटीग्रेशन, इज दिस द फाइनल आंसर, नो नो नो, वन लास्ट स्टेप इज लेफ्ट सर। व्हाट इज दैट लास्ट स्टेप, वेरी सिंपल, लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसको लिखना है 3 sin x -3/3 sin x, ये सॉरी ये नीचे प्लस है क्योंकि देख लो तुम यहाँ पे प्लस था, प्लस दिस इज द फाइनल आंसर सर। अगर ये सम और एक गड़बड़ किया कि मैंने, हाँ ये देखो 1 है इधर, देखो ये प्लस 1 था, ध्यान से करना। अब तुम्हारा क्वेश्चन सर एंट्रेंस में किधर तक सॉल्व करना है, इधर तक करना है क्योंकि ऑप्शन में ये होगा सर, ऑप्शन में ये हुआ तो इधर तक करो, ऑप्शन के हिसाब से एंट्रेंस में करना है सर। बोर्ड में किधर तक करना है, इधर तक करना है। कितने मार्क का सम आ सकता है एग्जाम में सर, 3 मार्क के लिए आ सकता है, 2 पेज बिल्कुल 2 पेज, 12th है, 10th नहीं है, तुमको लगता है 10th में 2 पेज, मतलब पहली बार 2 पेज का सम रहता भी नहीं, रहता है तो ज्योमेट्री का तो 5 मार्क के लिए आता था, पर ये 3 मार्क के लिए 12th है। अगर वर्स्ट केस में बोर्ड तुम पे बहुत खुश हो गया तो 4 मार्क के लिए, अगर बोर्ड तुमसे सच में बहुत खुश है, देखो सच में 2 पेज का सम है, देखो यहाँ से चालू किया है 1 पेज, पूरा 2 पेज कंप्लीट हो गया, देखो पूरा 2 पेज, अगर मेरा हैंडराइटिंग बड़ा है बट स्टिल यार 2 पेज का तो है। अब तुमको लगेगा सर कितने मार्क का आएगा, तो मैं बता दूँ ये बोर्ड में 3 मार्क के लिए भी आ सकता है अगर बोर्ड वाले एकदम परफेक्ट करें जैसे CBSE स्टैंडर्ड से चले तो, और अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स अच्छे हैं ये वायरस का टाइम थोड़ा उन पर दया कर दो, जैसे करते हैं वैसे बोर्ड में थोड़ा दया होता है, तो क्या करेंगे 4 मार्क के लिए आ सकता है, बट 3 to 4 मार्क्स का ये सम है, 5 का तो रहता भी नहीं शायद, हाँ नहीं रहता है 5 का तो रहता है 3 or 4 का, और एंट्रेंस में अगर आ गया तो ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना। आई होप समझ में आ रहा है। ये सम इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डबल सम है, डबल मतलब ऑलराउंडर, मैंने बताया ना ये बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है, युवराज सिंह जैसा, युवराज सिंह पता है ना बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, फिर रविंद्र जडेजा मालूम है कि नहीं, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, वैसे टाइप के समझो ठीक है, और दोनों अच्छा कर सर। ऑलराउंडर मतलब क्या, एक तो पहली बार सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, दूसरा ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड जो मैंने बताया ना अंडर रूट, कौन सा मेथड है अंडर रूट 1 upon ax² + bx + c वो मेथड है, तो वो भी कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन भी कर रहा है, इसलिए ऑलराउंड। आई होप सबको समझ में आया, यस और नो, यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, मैं एक लास्ट सम कर लेता हूँ, एक और एक सम कर लेता हूँ मैं, तब तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछो जल्दी से, यू हैव एनी डाउट जल्दी पूछो रे, डाउट है कि नहीं मेरे को, यस और नो बताओ, यस मतलब समझ गया, नो मतलब नहीं समझा, ठीक है समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर फिर भी किसी को लगता है कि सर मेरे को 50% समझ में आया, 60% समझ में आया, कोई बात नहीं, अरे 50-60 समझ में आना बहुत बड़ी बात है, इंटीग्रेशन लोगों को ना टच भी नहीं होता, 10% भी समझता नहीं है, सच बोल रहा हूँ, बट मैंने ऐसा फ्रेम किया है क्वेश्चन को कि तुम लोग को तो पहले अटेम्प्ट में 80% समझ में आ गया होगा, और वो 20 कब आएगा पता है क्या, दोबारा वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं, सच बोलूँ तो मैं खुद के बारे प्रैक्टिस कर दो पूरा 100 on 100, मैं सच बोल रहा हूँ तुमको, मेरे को समझ में आता है ना, क्योंकि मैं बहुत जगह सीखा भी हूँ और सिखाया भी है, तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि ऐसा सिखाया तो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आएगा, तो मैं सर बोलता हूँ तुमको 80% हर एक स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा जो ईमानदारी से रेगुलर लेक्चर अटेंड करता है, हाँ जो सिर्फ नाम लिख के चला जाता है घर पर वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, इफ नॉर्मल स्टूडेंट जो हर लेक्चर अटेंड करता है उसको 80% समझ में आ गया सर, 20 कब समझेगा जब लिख के देखेगा, तो दोबारा देखने का ज़रूरत भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोबारा देखने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन इक्वल टू 6 square x upon 2 tan square x + 7 tan x + 13। याद रखो ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं अभी ले रहा हूँ ना, 4-4 मार्क के लिए आते हैं बोर्ड में, एंट्रेंस में भी आता है, एंट्रेंस में
दूसरा चीज़ आता है, ज़्यादातर ये लोग ये टॉपिक ज़्यादा नहीं लेते हैं एंट्रेंस में, आ सकता है, पर तुम्हारे जो नोट्स है उसमें ज़्यादा ये टॉपिक नहीं दिया है। बट याद रखो ये बोर्ड में 4 मार्क का डायरेक्ट सम आता है, 4 मार्क का आना ही है, 3 या 4 मार्क, ये वाला और पिछला वाला सम 3 या 4 मार्क। कोई बता सकता है ओपन चैलेंज क्या करना है हमको, क्या किसको टी पकड़ूँ, बस इतना बता दो। ओपन चैलेंज, वेरी गुड वेरी गुड, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आंसर, वेरी गुड, सब लोग बताना है आंसर कंपलसरी। गलत तो गलत, अगर तुमको पसंद नहीं तो मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा। अगर तुमको लगता है कि सर नाम लेते हो इसलिए हम बता रहे नहीं, तो मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा, डोंट वरी, बट आंसर बताओ मेरे को। देखो जिसका करेक्ट आया ना मैं उसका नाम लूँगा, जिसका करेक्ट नहीं आया ना उसका मैं नाम नहीं लूँगा। जिसका करेक्ट आ गया ना, जिसका रॉन्ग आता है उसका नाम नहीं लूँगा, अगर किसी को लगता है कि सर नाम लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम इसने सही बोला, टैन स्कूटी, शाबाश, वेरी गुड, राइट, करेक्ट, राइट, शाबाश, एकदम सही है। और दूसरा किसने क्या बोला है, कल्याणी टोल टैन एक्स इक्वलिटी, राइट, करेक्ट। और ये शुभम टोल टैन एक्स, टैन एक्स के आगे क्या करूँ भाई, टी टैन एक्स इक्वल टू टी पूरा लिख, फिर भी सही बोला उसने, टैन एक्स राइट है बट टैन एक्स इक्वल टू टी। फिर टैन नीरज टैन जीरो, उसका मतलब क्या, टैन जीरो मतलब क्या, ईश्वर ने बोला टैन एक्स इक्वल टू टी, राइट, वेरी गुड, सबने ही बोला है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आई होप सबको समझ में आ रहा, जिसको नहीं आ रहा डोंट वरी, क्या करना है मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखो पुट क्या करना है, टैन एक्स इक्वल टू टी पकड़ना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा डोंट वरी, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन सम्स का प्रैक्टिस करो, आ जाएगा तुमको। और जैसा मुझे दिख के आ रहा है ये लेक्चर 5 मिनट एक्सटेंड होगा, ऑफकोर्स होगा, बिल्कुल होगा, दिख के मालूम पड़ रहा है, तो होने दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सम बड़े हैं ना, तो जितना भी लेक्चर एक्सटेंड होता है डोंट वरी, ये सच में मैं बताता हूँ तुमको, स्टार मार्क कर लो इसको, बोर्ड में आता है 4 मार्क के लिए, 3 या 4 मार्क तो आना ही है बोर्ड। पेपर मैंने सेट नहीं किया है बट मैं प्रीवियस ईयर पेपर के नॉलेज है मुझे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन फेवरेट है बोर्ड, क्योंकि मालूम है उनको बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए एंट्रेंस में भी आ सकता है, एंट्रेंस में फेमस नहीं है ज़्यादा बट बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी आ सकता है। 5 मिनट लेक्चर एक्सटेंड होगा, थोड़ा ध्यान देना है, मैं जान मुझके नहीं कर रहा हूँ बट तुम समझो यार, ठीक है, ध्यान रखो, टैन एक्स इक्वल टू टी, टैन एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव के बाद क्या हो जाएगा, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी। टैन एक्स को क्या किया मैंने, टी पकड़ लिया और डेरिवेटिव लिया टैन एक्स का, तो कितना हुआ, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, टैन एक्स इक्वल टू टी, सेक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू डी टी। अब कोई लोग कन्फ्यूज होता है सर ये डी एक्स किधर से है, मैं बता चुका हूँ बहुत बार, डी टी अपॉन डी एक्स रहता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रख, तुम लोग को भी डायरेक्ट आदर डाल दो, वो स्टेप दिखाने का जरूरत ही नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट ये एकदम करेक्ट है, इतना लिखो यू विल गेट दी मार्क्स, डोंट वरी, ठीक है सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कॉपी करो इधर से, पेस्ट कर लो, तो आई इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना हुआ, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan² x प्लस 70 tan x प्लस 13 dx। टैन एक्स को क्या कर दिया, टी पकड़ लिया, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी पकड़ा। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी टी है, डी टी, ये देखो इसको पूरा उड़ा दो यहाँ से, रिमूव दिस, रिमूव कर दो और सिर्फ क्या लिख दो, डी टी। सर डी टी यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, मुझे पसंद नहीं, तुम लोग को डी टी लिखना पसंद है, तुम लिख दो अपने हिसाब से, ज़्यादातर डाइजेस्ट वगैरह में यहाँ पर डी टू लिखा होता है, डी टी लिखते हैं, बट मैं ऐसे लिखता हूँ 1/dt साइड में लिखता हूँ, मेरा थोड़ा पसंद है ऐसा, तुम्हारे हिसाब से करो, डी टी यहाँ रखो तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं, 1 यहाँ लिखो तब डी टी इधर करो, कोई लोग 1 लिखते नहीं ऐसे, नहीं 1 लिखना है अगर डी टी साइड में लिखा तो, बिकॉज नथिंग मीन्स 1। ध्यान से रखो क्या किया, जब डेरिवेटिव लिया मैंने टैन एस का, डेरिवेटिव कितना होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, अगर पता नहीं टैन एस का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है तो क्या करना है, वापस से डेरिवेटिव पढ़ना है, टैन एस का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर मैंने क्या लिखा, क्या लिखा, पूरे को उड़ा यहाँ से रिमूव कर दिया एंड डी टी लिख दिया, डन सर, फर्स्ट मैजिक डन। व्हाट इज द सेकंड मैजिक सर, जहाँ पे टैन एक्स इक्वल टू टी पकड़ना है, टैन एक्स को क्या पकड़ना है, टी। अब कोई कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर टैन एक्स को टी नहीं पकड़ा तो क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं मुंह पे बोलता हूँ, आंसर नहीं आएगा, जिस स्टूडेंट ने भी टैन एक्स को टी नहीं पकड़ा आंसर नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूल ही है उसको वैसा सब्स्टिट्यूशन करना ही है, टैन एक्स इक्वल टू टी पकड़ोगे तो आंसर आएगा। सर हमको, अब कोई कोई बोलेंगे सर हमको क्लिक नहीं होता कि टैन एक्स कैसे टी आता है, प्रैक्टिस करो क्लिक होगा, टैन एक्स इक्वल टू टी क्या करना है, बहुत सिंपल है, टैन एक्स इक्वल टू टी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 tan² x है, ये क्या है, 2 tan² x, तो इसको लिखेंगे 2t² प्लस 7 into tan x 70 प्लस 3 13,
आई होप सबको समझ में आ रहा है। लिसन वेरी केयरफुली, क्या किया मैं बताता हूँ। टैन एक्स को टी मैंने खुद पकड़ा है, सब्स्टिट्यूशन देखो, सेवन एज इट इज़, टैन एक्स को क्या लिख दिया, टी, खुद पकड़ा ना मैंने टैन एक्स को टी। सर यहाँ पे क्या था, टैन स्क्वायर एक्स था, टैन एक्स नहीं है, टैन का स्क्वायर है, तो टी का भी स्क्वायर लो। समझ में आ रहा है, जैसा वो हम वैसा हम। ठीक है सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आस्क मी सर अब क्या करेंगे। वन अपॉन टू को बाहर लेना ज़रूरी है। सर क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया रूल है कि कभी भी टी स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला जो होता है ना, स्क्वायर वाला कंपोनेंट, उसके सामने जो कोएफिशिएंट हमेशा वन ही होना चाहिए। सर नहीं, वन नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा, तो ये टू को बाहर लेना है। तो वन अपॉन टू बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया, वन अपॉन डी टी एज इट इज़। ये टू बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सेवन बाई टू टी प्लस थर्टीन बाई टू। आई होप एवरी वन इज गेटिंग, आई होप सबको समझ में आए। ये लेक्चर एक्सटेंड होगा थोड़ा सा, समझो करना ही पड़ रहा है मुझे, क्योंकि सम बहुत बड़े, दो दो पेज के सम्स हैं, इसलिए लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है। अगर किसी को अर्जेंट काम है, कोई लेक्चर अटेंड कर नहीं देख पा रहा है, तो तुम लोग ये सब मत देखो, बाद में आके देखो, डोंट वरी, बट लेक्चर एक्सटेंड होगा, क्योंकि अगर किसी को कोई अर्जेंट काम है, क्योंकि उनको बोलेगा सर सिक्स छः के बाद मुझे काम था कोई, तुम पॉज कर दो वीडियो, बाद में आके देखो, डोंट वरी, बट वी विल कंटिन्यू बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। फाइन, सो व्हाट आई हैव डिड, वन बाय टू आई हैव टेकन कॉमन, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग वन बाय टू कॉमन। क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमन ले रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कंपल्सरी रूल है, टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाले टर्म के हमेशा कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। सर क्या कि ये सेवन बाय टू कैसे है, क्योंकि मैंने सबको डिवाइड बाय टू कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट वन बाय टू कॉमन नहीं ले सकता मैं, पहले ये डिवाइड बाय टू करूँगा, और डिवाइड बाय टू डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं, इसलिए वन बाय टू लेना पड़ता है बैलेंसिंग के लिए, मैंने बताया हुआ है। क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, क्यों, मुझे इसको भगाना है, वी हैव टू रिमूव दिस, राइट। सो इसलिए क्या करना है, सबको डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू, बट सर अलाउड है क्या डायरेक्ट करना, नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वन बाय टू बाहर लेना पड़ेगा, फिर कर सकते हैं, इसलिए वन बाय टू बाहर लिया और मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, तो ये टू अपॉन टू कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस सेवन बाय टू। सर इसको और सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, सेवन बाय टू को सॉल्व करोगे तो 3.5 आएगा, जो कि नहीं करना है, पॉइंट में नहीं लाना। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट टर्म निकालना है, एलटी निकालना है, एलटी निकालना है। सर एलटी है तो 13/2, नहीं नहीं उनका एलटी नहीं लेना है, हमको अपना एलटी लेना है, क्यों, क्योंकि हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एलटी लेना पड़ता है। क्या है फॉर्मूला, सर बी स्क्वायर अपॉन 4a, मैंने हमेशा बताया 4a का वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया है ना, हमेशा 1 ही रहता है। फाइन, सो बी स्क्वायर, सर बी कितना है, 7/2, 7/2 का बी है उसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए कितना है 1, कितना आंसर आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना है 49 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4, तो आंसर क्या आएगा 49, और ये 4 ऊपर चला जाता है, दोनों दोस्ती कर लेते हैं और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अपॉन 16। अब कोई भी बोलेंगे सर ये ऊपर जाता है हमको पता नहीं, इसका मतलब बेसिक्स थोड़ा सा वीक है, प्रैक्टिस करो, 8th स्टैंडर्ड का बुक लो, 9th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ो, अगर थोड़ा बेसिक LCM का बेसिक क्या होता है थोड़ा पढ़ो, अगर ये पता नहीं। क्या किया मैं बताता हूँ, ये अपॉन 4 ही था ना, ये 4 को ऊपर भेज दिया और मल्टीप्लाई होकर 16 लिखा, अलाउड है वैसा कर सकते हैं, LCM स्ट्रांग होना चाहिए, आएगा। सर ये मिल गया, LT मिल गया लास्ट टाइम, 49/16 लिख देंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट, DT एज इट इज़, 1 एज इट इज़, सब एज इट इज़, टी स्क्वायर को हाथ लगाना नहीं है, 7/2 टी को हाथ लगाना नहीं है एज इट इज़। सर यहाँ पे ये 13/2 है, मैं यहाँ पे 13/2 लिखूँ क्या, नहीं नहीं वो उनका लास्ट टर्म, मुझे मेरा लास्ट टर्म चाहिए, कितना है 49/16, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, साइन क्या हमेशा प्लस ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, हमेशा प्लस होता है, प्लस कितना है प्लस 49/16। सर ये मेरा लास्ट टर्म मैंने लिख दिया, सर इनका लास्ट टर्म जो था 13/2 वो क्या करूँ, वो लिख दो यहाँ पे 13/2 लिख दो। अब ध्यान से देखो, तुम लोगों ने अपना लास्ट टर्म जो कि रूल है वो लिखना ही है, 49/16 लिख दिया, क्यों लिख दिया, कंप्लीट स्क्वायर हमको करना है, बस सर हमने तो लिख दिया, बट ऐसा अलाउड है क्या, हाँ अलाउड है, कंपलसरी अलाउड है, बट -49/16 कर दो, क्या कर दो, -49/16। सर क्यों किया, क्योंकि +49/16 हम अगर हम डाल रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट, सो कंपलसरी यू हैव टू गिव -49/16, और ये 13/2 एज इट इज़, 13/2 एज इट इज़। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, 1/2 एज इट इज़, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, इसको क्या कर देंगे, थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं, देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे लगता है, टी का स्क्वायर तो टी लिख देना है, साइन प्लस है इसलिए प्लस लिखना है, 49/16 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 7/4 होल स्क्वायर लगाए, इसको सॉल्व करके देख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, यही आया वापस आएगा, कंपलसरी आना ही है, टी स्क्वायर को टी लिखा प्लस साइन प्लस 49/16 का रूट ले लिया 7/4 होल स्क्वायर। सर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करना है, वो क्या है, वो
क्या है बताओ ज़रा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ऊपर सॉल्व करता हूँ, क्या था वो 13/2 - 49/16। देखो ये जो है ना, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। सर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? इसको मल्टीप्लाई कर देने का, 8 से मल्टीप्लाई कर देने का। क्या करने का? मल्टीप्लाई बाय 8। क्यों किया सर? 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा। ठीक है सर, अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, बट ऊपर भी करना ज़रूरी है, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। सर व्हाट इज़ द फाइनल आंसर? 8 × 13 कितना होता है पता है क्या? नहीं मालूम तो ऐसे कैलकुलेट करना है, वैसे टेबल मालूम होना चाहिए, इसको नहीं मालूम उसके लिए मैं कर देता हूँ। 3 × 8 कितना होता है? 24। 8 × 2 = 8 = 10 104। तो 104/2 8 × 2 = 16 -49/16 एज इट इज़। सर डिनोमिनेटर सेम हो गया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? 16 लिख दो, दोनों को एडजस्ट सॉल्व करो। 104 - 49। सर आंसर क्या मिलेगा? तुम्हारा डाउट होगा सर आंसर क्या मिलेगा, सॉल्व करके देख लो, आंसर मिलेगा 55/16। अब आई होप सबको समझ में आया। यहाँ मुझे कंपलसरी 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? मुझे 2 × 8 = 16 चाहिए, डिनोमिनेटर सेम करना है, नीचे किया तो ऊपर भी करना है। सॉल्व कर लो एलसीएम 55/16। सर आ गया, क्या करूँ? आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 55/16। नो साइन मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव। सर अब समझ में आ गया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? ये देखो स्क्वायर है, ये क्या है? रेस टू वन है, कंपलसरी उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, 1/(t+7/4)2+ ऐसा एज इट इज़। यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? रेस टू वन है, मुझे स्क्वायर करना है, क्या करेंगे पता है क्या? रूट ये 55 है ना, इसको रूट में लेके जाना है, रूट 55 करना है। और ये रूट 16 है, दोनों को रूट लगा रहा हूँ मैं, रूट 55 को सॉल्व नहीं होता इसलिए रूट 55 रखा, रूट 16 को भी रूट लगा रहा हूँ, बट आंसर 4 आता है उसका, होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। लॉजिक मैथ्स का स्टूडेंट है तो ये करना आना चाहिए। क्या किया है? मुझे मालूम है रेस टू वन नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर बनाना है, क्या करना पड़ेगा? दोनों को रूट लगाना पड़ेगा, रूट और स्क्वायर एडजस्ट किया तो 55 को क्या लिख दिया? रूट दे दिया, दोनों को रूट दिया, बट 55 का रूट बाहर नहीं निकलता है, आंसर नहीं आता है, 16 का रूट 4 आता है, तो इसका स्क्वायर किया। सर क्यों ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूँ, रूट पहली बात क्यों किया? क्योंकि दोनों को स्क्वायर देना था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। और दूसरी बात, ये 55 को जब खोलोगे ना, ओपन करोगे ना, रूट 55 इसको स्क्वायर है ना, इसको ओपन करो, आंसर क्या आएगा पता है क्या? 55 आएगा, और सॉरी रूट जब ओपन करोगे ना 55 आएगा, और ये 4 का स्क्वायर करोगे ना 16 आएगा, तो मुझे 55/16 मिल रहा है, वापस वही चीज़ मिल रहा है। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? मेरे को कॉपी करने दो, नेक्स्ट पेज पे सिखाता हूँ, पेस्ट कॉपी पेस्ट करने दो। सो इंटीग्रेशन क्या हुआ? 1/(1:2) एक मिनट, मैं जस्ट लेट मी कॉपी पेस्ट। ये देख लो, ये कॉपी पेस्ट कर दिया। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर? हमको नहीं पता, फॉर्मूला लगने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x²+a²)। क्या फॉर्मूला लगने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ x²+a², क्योंकि देखो x का काम कर रहा है प्लस a का काम कर रहा है। सर इसका आंसर क्या होता है? 1/(a)tan−1x/a+। अब तुम बोलोगे सर ये वापस वही फार्मूला आ गया, क्या कर रहे हैं? अब सब सब में यही लग रहे हैं, फेवरेट फार्मूला। अभी हर मैच में विराट कोहली 100 रन करता है, तो इसमें विराट कोहली की क्या गलती है ना? वो ओपनिंग करता है, फेवरेट है सबका, उसको मोटिवेशन करते हैं, सब मोटिवेट करते हैं, तो हर बार यही फार्मूला लग रहा है, और वो 1/2 ए लॉग वाला क्या करने का? वो दोनों फेवरेट फार्मूला है, दे आर लाइक्ड बाय एवरीवन, सो वी हैव टू यूज़ दैम। फाइन सर, आपने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि टी है तो इसको एक्स पकड़ा, एक्स का स्क्वायर है, प्लस साइन है बीच में, प्लस प्लस है, दोनों में प्लस है, उसके बाद ए का स्क्वायर, ए क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो ये सम के लिए मेरा एक्स कितना हुआ, कोई बता सकता है एक्स कितना हो गया? ये सम में मेरा एक्स है t+7/4, और ए कितना है? ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया तो ए का वैल्यू कितना आता है? √55/4। सर एवरीथिंग डन फॉर दिस पर्टिकुलर सम, एक्स इज t+7/4 एंड ए इज √55/4। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू कैन आस्क मी सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट एंड द लेक्चर, गिव मी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। सर आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या होता है? 1/(tan−1x/a+c)। तो डायरेक्ट 1/(a) मत लिखो, क्योंकि 1/2 था ना, 1/2 कहाँ से आया? 1/2 कहाँ से आया? ये जो 2 था ना, इसको बाहर लिया था, देखो 1/2 चलते आ रहा है, उसको यहाँ पे मैंने 1/2 लिया, राइट, नीचे 1/2 लिख दो, इनटू 1/(a) कितना है? अरे कितना है अभी बताए ना, ए कितना है? √55/4। तो √55/4। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? tan−1x/a+c। tan−1x/a+c,
एक्स कितना है सर, एक्स कितना है अभी बता, एक्स कितना है टी प्लस सेवन बाई फोर, मैच करके लिख लो एक्स की जगह पर टी प्लस सेवन बाई फोर, सो एक्स कितना है टी प्लस सेवन बाई फोर अपॉन अपॉन सर एक्स अपॉन ए है, ए कितना है रूट फिफ्टी फाइव अपॉन फोर, देखो यहाँ पर भी यूज़ किया ना वन अपॉन ए कितना है रूट फिफ्टी फाइव अपॉन फोर, इसके आगे मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, तुमको खुद करना है वन सा या टू सा सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा, इसको आगे सॉल्व करना सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ये टी के जगह पे रीसब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी है, लास्ट में रीसब्स्टिट्यूशन करना है, पहले इसको एलसीएम लेना है फोर फोर कैंसिल करना है, अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते, एलसीएम लेने के बाद फोर कैंसिल करो और रीसब्स्टिट्यूशन करो टी इक्वल टू टेन एक्स, आई होप सबको समझ में, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी टुमारो बट आई थिंक नो वन विल हैव एनी डाउट, आई फाइन सो बाय, टेक केयर बाय।